हाय, वेलकम टू बॉलीवुड जंक्शन। आप लोगों ने बचपन में स्नेक लेडर, सांप सीढ़ी जरूर खेली होगी, है ना? उसमें क्या होता है कि एक सांप होता, कई सांप होते हैं, सीढ़ी होती है और एक मंजिल होती है, वहाँ तक पहुँचना होता है, 1 से लेकर 100 तक। लेकिन 99 पर या 98 पर एक बड़ा एनाकोंडा खड़ा रहता है, बैठा होता है, पाइथन जिसे कहते हैं, लंबा सांप। आखिरी टाइम पे इतनी मेहनत करके जब वहाँ पहुँचते हैं, उस टाइम पे एक दो दाने कम पड़ते हैं और आदमी एनाकोंडा के मुंह के अंदर और सीधे करके वापस दो पे आके खड़े हो जाते हैं, सारी मेहनत खत्म। सुभाष जी के लिए देवा एक एनाकोंडा फिल्म प्रूव हुई। कितने महीनों की मेहनत, लगन, सब खत्म हो गया। इनका एक बड़ा ड्रीम नाइटमेयर में हो गया, नाइटमेयर में तब्दील हो गया। सबका सपना चकनाचूर हो गया। उस एनाकोंडा में सुभाष जी भी आ गए, अमित जी भी आ गए, वो नई लड़की माधुरी दीक्षित और हमारे जैसे तो कई ऐसे छोटे 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 लोग आ गए और उसने निगल लिया और हम सब लोग वापस जीरो के पास खड़े हो गए मेहनत करने के लिए। हम लोग, जब मैं कह रहा हूँ तो इस वर्ड गोज विथ सुभाष जी, बाकी लोगों को, सब अमित जी को, हर किसी को, और सबने लॉस सहा, लेकिन सुभाष जी के लिए सबसे बड़ा ये धक्का था डेफिनेटली। वो नई लड़की माधुरी के लिए, वो फर्स्ट टाइम इतनी बड़ी फिल्म करने जा रही थी, उसकी तकदीर बदलने जा रही थी। और तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ उसकी वजह से हुआ, लेकिन वो भी उस लोगों में एक थी जिसने सफ़र करना था और हम लोग भी सब नीचे आके खड़े हो गए। लेकिन क्या होता है कि सुभाष जी एंड अमित जी, जैसे मैंने बताया था कि बेंगलोर या हैदराबाद या चेन्नई कहीं पे जुलाई में मिले और जुलाई में बात हो गई और तय हो गया कि फिल्म ख़त्म, देवा अब नहीं बनेगी। ये डिसीजन सुभाष जी का था, अमित जी का नहीं। ओके, अमित जी के लिए भी ये धक्का था। अमित जी ने कहा कि अच्छी फिल्म बनाने के लिए 2.5 साल चाहिए, मैं सालों से बना रहा हूँ, देख रहा हूँ मेरी फिल्में ऐसे बनती है और चलती भी है, सबको प्रॉफिट होता है, तू खामखा ऐसी बातें कर रहा है कि तुझे प्रॉफिट नहीं होगी। सुभाष जी ने कहा नहीं, अच्छी फिल्म 1.25 साल में आ जाती है, रिलीज भी होती है, बन जाती है और मैं बनाऊँगा। तो अमित जी ने कहा चैलेंज, बोले सुभाष जी का चैलेंज, तो दोनों में एक चैलेंज लग गई। ऐसा नहीं कि पीछे बैंग बजा और चौराहे पे खड़े थे, नहीं, बातों में ये जिक्र हो गया और चैलेंज लेके सुभाष जी वापस बॉम्बे आ गए। जैसे मैंने बताया कि हमें कहा गया कि आप लोग फिक्र मत करना, आपकी सैलरी चालू रहेगी, फिल्म बंद हो गई है, हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। आज की तारीख में तो जिन्होंने काम किया है ना, उन्हें भी, उनके प्रोड्यूसर, बड़े बड़े प्रोड्यूसर, बड़े बड़े बैनर जो 250 करोड़ की फिल्में बनाते, 400 करोड़ की बनाते हैं, वहाँ बड़े बड़े स्टार होते हैं। मैं स्टार की गलतियाँ नहीं कह रहा हूँ, उन प्रोड्यूसर की गलतियाँ कह रहा हूँ जो ऐसी वाहियात फिल्म बनाने के लिए जाते हैं, उस डायरेक्टर की गलती कह रहा हूँ जो अपने विजन की बातें करता है लेकिन खुद क्लियर नहीं होता है। अल्टीमेट सफ़र सब करते हैं लेकिन छोटा टेक्नीशियन बहुत सफ़र करता है, उनको सैलरी नहीं मिलती है। मेरे पास, मैं टेक्नीशियन को भी जानता हूँ, आर्टिस्ट को भी जानता हूँ, उस बैनर को भी जानता हूँ। खैर, हमें ये ऐसा नहीं हुआ। सुभाष जी ने, हमारे ऑफिस ने हमें कह दिया था कि यू आर सिक्योर। अब सुभाष जी के लिए एक चैलेंज था, धक्का तो लगा था, लेकिन सुभाष जी तो वो है ना,
फिनिक्स पंछी की तरह राख से उठना है। अरे उन्हीं की फिल्म का तो डायलॉग है, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, उसी राख से जो बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। तो सुभाष जी को तो आना ही था, ब्लास्ट होके आना था और आए।